हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का सवाल ये है, विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, 60 वैट और 100 वैट। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, दो लैम्प को ले लिया है, ठीक है, लैम्प वन एंड लैम्प टू, ठीक है, बल्ब वन एंड बल्ब टू। जो फर्स्ट वाला जो बल्ब है, इसका वैटेज है 60 वाट। सो दूसरा वाला बल्ब है, इसका वैटेज है 100 वैट। तो इन दोनों लाइट को इन्होंने क्या कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इसे 200 वोल्ट एसी सप्लाई दे दिया। तो यहाँ पर सवाल ये है कि कौन सा लाइट जो है ज़्यादा ब्राइट जलेगा, 60 वाट जलेगा या 100 वाट जलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, इसलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जितना वोल्टेज रहेगा, ओके, जितना वोल्टेज रहेगा, जो ब्राइटनेस जो रहता है ना, उतना ही ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अगर वोल्टेज कम रहेगा तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप हम घर में देखते हैं कि वोल्टेज ज़्यादा आ गया तो ब्राइटनेस ज़्यादा आ रहा है बल्ब में, जब वोल्टेज कम हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, लाइट डिम हो जा रहा है ना। तो इससे हमें यह पता चला कि ब्राइटनेस जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड रहता है ना। ये मत समझना कि करंट पे डिपेंड रहता है, हैं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। वोल्टेज जितना ज्यादा रहेगा उतना ब्राइटनेस आएगा, वोल्टेज कम हो गया तो ब्राइटनेस कम हो गया, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो दूसरा, ये जो वोल्टेज जो है V इक्वल टू I इंटू R, ये फार्मूला है ना। अगर अगर वोल्टेज ज्यादा हो जाता है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ज्यादा वोल्टेज के लिए हमें ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए। अगर जिस लैंप में ज्यादा रेजिस्टेंस है वो लैंप ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा, जिसमें ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो गया वो ज्यादा ब्राइट जलेगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं, तो R1 का वैल्यू पता लगाना है, तो फार्मूला क्या लगेगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P1, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से R2 का वैल्यू पता लगाना है, लैम्प 2 का रजिस्टर का वैल्यू पता लगाना है, तो फार्मूला क्या लगेगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2 लगेगा, ठीक है। तो पहले हम R1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 200 स्क्वायर, ठीक है, पावर कितना है, 60 वाट। जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, 666.66 ओम, ठीक है, इसे आप याद रख लीजिए। तो ठीक उसी तरह से जो लैम्प टू का रेजिस्टेंस का लैम्प टू का रजिस्टर का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फार्मूला क्या लगेगा, सेम वी स्क्वायर, ओके, वी स्क्वायर डिवाइड बाय पी टू, ओके। तो वी कितना है, 200 स्क्वायर कर दिया, पावर कितना है, 100। तो इसको फाइंड आउट करने के बाद, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कितना निकलेगा, R2 का वैल्यू 400 ओम, ठीक है। तो इससे हमें क्लियर हो गया, R1 का वैल्यू कितना आ गया था, 666.66 ओम, ठीक है। लैम्प 2 का, बल्ब 2 का वैल्यू कितना आ गया था, रेजिस्टेंस का वैल्यू 400 ओम। तो जिसमें वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप होगा वही लाइट में ज्यादा ब्राइट चलेगा, ठीक है, मतलब ये 60 वाट जो बल्ब जो है ज्यादा ब्राइट जलेगा, है ना। क्यों जलेगा, इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है, जितना रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा रहेगा उतना ही वोल्टेज ज्यादा खींचेगा, है ना, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, इस वजह से 60 वाट लैंप जो है ज्यादा ब्राइट चलेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।